वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर वेब फ्रॉक फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 मीटर कॉटन फैब्रिक्स लिए हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक से एक रेक्टेंगल पीस कट किया है, जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 14 इंचेस और लेंथ हमने रखी है 8 इंचेस, जिसे हमें 2 फोल्ड करना है इस तरीके से। और यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है, तो अपर बॉर्डर से 2.5 इंचेस डाउन पर हमें मार्क करना है और यहाँ से हमें इस तरीके का राउंड शेप ड्रॉ करना है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो ये हमारा टॉप का फ्रंट साइड है और फैब्रिक के ऊपर सीधा हमें फ्रंट पार्ट को रखना है और यहाँ पे हमें बैक का पार्ट कट करना है। तो यहाँ पे 1 इंच लेंथ इंक्रीज करते हुए हमें इसे मार्किंग करनी है बैक साइड के लिए। टॉप का बैक साइड हमें कट करना है और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने टॉप का बैक पार्ट भी हमने कट कर लिया है और ये जो हमारा टॉप का फ्रंट साइड है, इसकी अपर बॉर्डर को हमें राउंड शेप वाले बॉर्डर को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है और बैक साइड की बॉर्डर को भी हमें एक सिंगल फोल्ड करना है और वापस हमें एक बड़ा वाला फोल्ड करते हुए सिलाई करनी है, जहाँ से हमें इलास्टिक पास करनी है। इसलिए ये देखिए, हमने दोनों पार्ट्स की बॉर्डर को हमने फोल्ड कर लिया है और बैक साइड पे हमें इलास्टिक को पास करना है एक एंड से दूसरे एंड को। दोनों पार्ट की लेंथ हमने सेम रखी है 7 इंचेस इस तरीके से और यहाँ पे बैक साइड पे हमें इलास्टिक को पास करना है, अटैच कर लेना है। सेफ्टी पिन की मदद से हम एक एंड से दूसरे एंड को पास करेंगे इलास्टिक को, जिसकी लेंथ हमने ली है 9 इंचेस और यहाँ पे हमें इसे पास कर लेना है एक एंड को दूसरे एंड तक। तो इस तरीके से हमने इलास्टिक को पास कर लिया है और दोनों साइड पे हमें इसे सिलाई करते हुए लॉक कर देना है। ये देखिए, हमने इलास्टिक को फिक्स कर दिया है इस तरीके से। ये हमारा बैक साइड रेडी हो गया है और ये हमारा फ्रंट साइड। और यहाँ पे शोल्डर बनाने के लिए हमने 2 स्ट्रिप्स कट की है फैब्रिक से, जिसकी लेंथ हमने ली है 15 इंचेस और ब्रॉडनेस हमने ली है 4 इंचेस, जिसे हमें 2 फोल्ड करना है दोनों को साथ में यहाँ पे। और यहाँ पे स्ट्रिप्स के लिए हमें इस तरीके का राउंड शेप ड्रॉ करना है, तो नीचे वाले बॉर्डर से हमें 2 इंचेस से मार्क करना है और यहाँ से हम राउंड शेप बनाएंगे। इस तरीके से अब हमें इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से लेफ्ट और राइट के लिए 2 स्टेप्स हमने यहाँ पे कट कर ली है। दोनों को हमें अरेंज करना है और इस तरीके से हमें इसे फ्रंट और बैक पे जॉइंट करना है। सबसे पहले हम इसे डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे इसकी लेंथ हमने ली है 3 इंचेस, हमने 4 स्टेप्स यहाँ पे कट कर ली है और बॉटम पार्ट के नीचे और बॉर्डर पे हमें इसे अटैच करना है। हमें उल्टा रखना है और हमें सिलाई करनी है और वापस हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। इस तरीके से फ्रंट और बैक के नीचे और बॉर्डर पे हमें इसे अटैच करना है और रॉन्ग साइड पे हम डबल फोल्ड करेंगे इसके बाद। और यहाँ पे स्ट्रिप्स को भी हमें डेकोरेट कर लेना है। तो इस तरीके से स्ट्रिप्स की दोनों बॉर्डर पे हमें इसे सिलाई कर लेना है और रॉन्ग साइड पे हम डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से स्ट्रिप्स को भी हमने डेकोरेट कर लिया है और यहाँ पे नीचे बॉर्डर को हमने डेकोरेट कर लिया है, जो हमारा बॉटम का पार्ट है।
और यहाँ पे हमने दो बेस सभी कट किए हैं फ्रंट और बैक के लिए, जिसकी अपर बॉर्डर पे हम बड़े नंबर की सिलाई करनी है यहाँ पे चारों पार्ट्स में। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है और यहाँ पे हमें गैदरिंग करना है। तो एक धागे को अलग करके हल्के हाथ से खींचते हुए पूरे ब्रॉडनेस में हम गैदरिंग करेंगे और चारों पार्ट्स को हमें रेडी करना है नेट और बेस को। ये देखिए हमने बॉटम का पार्ट हमने रेडी कर लिया है और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे हमें बॉटम के साथ अटैच करना है। तो इसके ऊपर हमें उल्टा रखना है और हमें सिलाई करनी है। यहाँ पे टॉप और बॉटम हम जॉइंट करेंगे। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम को हमने जॉइंट कर लिया है, दोनों पार्ट को राइट साइड पर टंग कर लिया है। और यहाँ पे फ्रंट साइड पे हमें बेल्ट अटैच करना है। तो वाइट फैब्रिक से हमने बेल्ट बनाया है जिससे हम यहाँ पे टॉप और बॉटम की जॉइनिंग है वहाँ पे हमें इसे अरेंज करना है इस तरीके से। और इसके ऊपर बैक का पार्ट हमें उल्टा रखना है फ्रंट पार्ट को राइट रखते हुए। और अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे दोनों साइड से हमें वन इंच की डिफरेंस पे सिलाई करनी है। सबसे पहले हमने दो बेल्ट बनाए हैं जिससे हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे हमें दोनों साइड पे अरेंज करना है और इसके ऊपर बैक का पार्ट हमें उल्टा रखना है और हमें सिलाई करनी है दोनों साइड से वन इंच की डिफरेंस पे। ये देखिए हमने दोनों साइड से वन इंच की गैप पे सिलाई करते हुए फ्रॉक को राइट साइड पर टर्न कर लिया है और यहाँ पे हमें शोल्डर अटैच करने हैं। तो दो स्ट्रिप्स हमने रेडी की है जिससे हम यहाँ पे फ्रंट और बैक के साथ हमें इसे अटैच कर लेना है टॉप पार्ट के साथ। तो इस तरीके से अप्रॉक्स हमें दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट में इसे जॉइंट कर लेना है। दोनों स्ट्रिप्स को ऑपोजिट साइड में हमें अटैच करना है इस तरीके से ऊपर से सिलाई करते हुए टॉप पार्ट पे हमें इसे जॉइंट कर लेना है फ्रंट और बैक पे। ये देखिए हमने इस तरीके से दोनों शोल्डर हमने अटैच कर लिए हैं और यहाँ पे इसे हमें बैक साइड पे टर्न करना है। ये हमारा बैक साइड है इलास्टिक वाला और बेस फैब्रिक के नीचे और को भी हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करना है। और यहाँ पे बेल्ट को हमें टाई कर लेना है। ये हमारा बैक साइड है और इसी के साथ ये बेक फ्रॉक हमारा रेडी है। दोस्तों अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।